आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। अगले महीने राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने हैं। इसी भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए एक ट्वीट भी लिखा है। उन्होंने लिखा, यूपी ट्रिपल एससी के ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो के विज्ञापन में ओबीसी के 27% की जगह केवल 9.5% पद प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार पर ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। भाजपा के आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आती है। दरअसल ग्राम पंचायत अधिकारी के कई पदों पर भर्ती होगी तो वही सामान्य वर्ग के 849 पद रखे गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 356, अनुसूचित जनजाति के 7, वही पिछड़ा वर्ग के लिए 139 और ईडब्ल्यूएस पदों के लिए 117 पद आरक्षित किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आरक्षण का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर भी अखिलेश यादव और भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस दौरान ट्वीट करते हुए लिखा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियमानुसार ओबीसी के 27% की जगह केवल 9.5% पद प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट के जरिए भाजपा को एक दलित विरोधी सरकार करार दिया है। साथ ही कहा है कि ओबीसी के हक मारने के खिलाफ भाजपा के खिलाफ आंदोलन किया जाए, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वो दलितों का ओबीसी का हक मारती है और ओबीसी के हक मारने के खिलाफ अब सभी पार्टियों को, सभी देशवासियों को एकजुट होना चाहिए और साथ ही भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन भी करना चाहिए। भाजपा के आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आ जाती है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार जो है वो आरक्षण के विरोध में है और हर बार उनकी सोच हर एक परीक्षा के दौरान भी नजर आ जाती है। तो वही इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है एक तरफ लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है तो लगातार वो ट्वीट भी करते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा दलित विरोधी सरकार है। तो आरक्षण पर लगातार बवाल जारी है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर से भाजपा सरकार पर ट्वीट के जरिए प्रहार करते हुए दिखाई दे है। जी हाँ, ट्वीट करते हुए उन्होंने भाजपा को ओबीसी आरक्षण के विरोध में बता दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हर एक चुनावी मौसम से पहले, या यूं कहे कि हर एक परीक्षा के पहले भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच देखने को मिल जाती है जो कि सामाजिक न्याय के आड़े तक आ जाती है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पहले 27% आरक्षण मिलता था ओबीसी वर्ग को, तो वही अब भाजपा के शासनकाल में ग्राम पंचायत अधिकारी के जो भी ओबीसी वर्ग है उसको महज 9.5% ही आरक्षण दिया गया है। तो वही इस मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, तो जो भी ओबीसी के हक को मारने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट है जो अब लगातार लोगों के बीच में वायरल हो रहा है। तो आपको बताते चले कि आंदोलन की चेतावनी भी अब अखिलेश यादव ने दे दी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आरक्षण का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया नहीं गया तो जो सभी समाजवादी के कार्यकर्ता है, जो सभी समाजवाद के कार्यकर्ता है, वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होकर प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के ग्राम पंचायत अधिकारी का जैसे ही विज्ञापन आया,
अब उसको लेकर जो सियासत है वो भी हाई हो गई है। तो यूपी की सियासत अब एक बार फिर से यूपी SSSC के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन के सामने आते ही जारी हो गई है। तो आपको बता दें कि अगले महीने राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इससे पहले एक बार फिर से राजनीति में गर्माहट देखने को मिली है, सुबुगाहट तेज हो गई है। इसी भर्ती परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा आरक्षण विरोधी सरकार है और हर बार उनकी ये जो नीतियां हैं वो खुलकर लोगों के सामने आ जाती हैं। भाजपा के आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े हाथों आ जाती है। तो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा पर यही सवाल उठाती हैं कि भाजपा ने प्रदेश में रोजगार नहीं दिया है, जो परीक्षाएं होती हैं यूपी में उसमें धांधली होती है। तो इसी बीच एक बार फिर से ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन आने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत अधिकारी में सामान्य वर्ग के लिए 849 पद रखे गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 256, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 7 पदों का जो स्थान है वो निर्धारित किया गया है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 139 जो पद है वो फिक्स किए गए हैं। तो वहीं इसी पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां ओबीसी के लिए 27% आरक्षण था तो वहीं अब केवल 9.5% रह गया है। 9.5% के मुताबिक पिछड़ा वर्ग के लिए महज अब 139 सीटें ही हैं और ईडब्ल्यूएस पदों के लिए 117 पद अब आरक्षित कर दिए गए हैं। तो जहां एक तरफ ओबीसी के लिए महज 139 सीटें जो रिजर्व की गई है, तो वहीं अब 139 सीटों के खिलाफ अखिलेश यादव ट्विटर पर भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा के साथ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जो युवा है वो बेरोजगार है। स्टार्टअप के नाम का एक लॉलीपॉप युवाओं को देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। तो वहीं लगातार भाजपा सरकार पर अब ये भी आरोप लगते आए हैं कि भले ही उनके शासनकाल में परीक्षाएं तो आयोजित कराई जा रही है लेकिन उन परीक्षाओं के रिजल्ट तक समय से डिक्लेयर नहीं हो पाते हैं और अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो उसके बावजूद वो जो रिजल्ट है उनको कैंसिल किया जाता है। तो अब एक बार फिर से जब बीडीओ के लिए विज्ञापन जारी हो गया है तो उस पर अब राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा जो है वो ओबीसी का शोषण करती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हर बार भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच सामाजिक न्याय के आड़े आ जाती है और हर बार भाजपा की जो सोच ओबीसी के खिलाफ वो देखने को मिल जाती है। तो आरक्षण पर लगातार जो बवाल है वो गहराता जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव का ये वही ट्वीट है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो आप इस वक्त प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो एक बार अखिलेश यादव का ट्वीट मैं फिर से आप सबको बता दूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट में अपने साफ तौर पर लिखा है कि UP SSSC के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियम के मुताबिक ओबीसी के 27% की जगह महज 9.5% पद प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि अगर जो आरक्षित जो पद है अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी कि 9.5% से अगर आरक्षण को बढ़ाया नहीं जाएगा तो सभी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो दिग्गज नेता है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ अब मोर्चा खोलते हुए यानी कि प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट में यह भी जिक्र किया है कि भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आ जाती है। तो आपको बताते चले कि UP SSSC के द्वारा जो ग्राम पंचायत अधिकारी कि जो परीक्षा होने वाली है उसमें 139 सीटें हैं जो ओबीसी के लिए फिलहाल आरक्षित कर दी गई है, लेकिन अब इसी आरक्षण को लेकर के विवाद गहराता हुआ दिखाई दिया है। तो वह इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट का पैनलिस्ट जुड़ा हुआ है, जहां आरिफ हबीब सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही निधि तिवारी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो वही बीजेपी के नेता देवेंद्र मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ प्राइम टीवी पर अब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप तीनों ही जो पैनलिस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं।
ठीक है देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपकी सरकार को घेरने का कोशिश किया है, घेरने का प्रयास किया है, आप इस ट्वीट को किस तरीके से देखते हैं देवेंद्र? जो चीजें संज्ञान में आई हैं उस पे नेतृत्व की पूरी निगाह है और इसमें जो भी उचित होगा वो किया जाए सरकार के स्तर। ठीक है आर्य जी, जिस तरीके से आप ही के सुप्रीमो ने ये ट्वीट किया है कि आरक्षण का जो परसेंटेज है उसको घटा दिया गया है, आखिर आरक्षण के परसेंटेज घटाने को लेकर इतना विवाद क्यों? सभी को सामाजिक बराबरी का हक है, उस सामाजिक बराबरी के लिए संविधान ने एक व्यवस्था दी है। जब संसद ने ये तय कर दिया समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा है और उसको प्रथम पंक्ति में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। क्या वाकई में आपको लगता है कि अभी भी पिछड़ी पंक्ति में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वाकई में हैं? बिल्कुल है, अगर आप सच्चाई से अवलोकन करिए 27% जो आरक्षण है पहले तो वो ओबीसी समाज को पहुंचता ही नहीं है और अगर वो पहुंचता भी है 81 जातियां हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे जानकारी है वो भी 25% जातियों तक ही पहुंचती है। बाकी जो 75% जातियां बच रही है उनको मुख्य धारा में लाने का आज तक भी प्रयास नहीं किया। ये दुख होता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार इस तरह दिन दहाड़े आंख में भूल झोंकने का काम कर रही है। अगर आप देखिए तो 27% के हिसाब से SSSC का जो पद है उसमें 396-97 अभ्यर्थी आने चाहिए लेकिन 139 आ रहे हैं, जो 9.5%। ऑलरेडी 849 लोगों को सामान वर्ग में रखा गया, 119 को EWS दे दिया। सामान्य लोगों को दो बार व्यवस्था दी जा रही है और ओबीसी समाज का 27% भी मार दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय के अगुआ ओबीसी समाज के सच्चे नेतृत्वकर्ता अखिलेश यादव जी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी अपने नारे के मुताबिक अगर काम करना चाहती है तो उन्हें निश्चित रूप से अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है निधि, आप तो एक अभ्यर्थी रही हैं और लगातार जब हमने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें भी आप लगातार एक्टिव रही हैं, तो अब अखिलेश यादव ने ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन जारी होने के बाद एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि जो ओबीसी वर्ग है उसको 27% की जगह महज 9.5% आरक्षण दिया है जो कि गलत है। आप इसको किस तरीके से देखती है अखिलेश यादव के ट्वीट को? मैम पहली चीज आरक्षण की अवधारणा जब आई उस समय हमारे ओबीसी एससी समाज के लोग जो पिछड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण आया था और बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था सिर्फ इसको 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा समाज ग्रो कर सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। तो जब इसको आगे बढ़ाने की बात की गई तो अम्बेडकर जी ने स्पष्ट बोला था कि क्या आप चाहते हो कि जिंदगी भर ओबीसी एससी समाज के जो पिछड़े दलित लोग हैं वो क्या बैसाखी पे ही चलते रहें? उस समय की जो बात जो सहायता देने की बात की गई ओबीसी एससी समाज के लिए वो कहीं ना कहीं उस समय पे मतलब तात्कालिक परिस्थिति में उस समय देखते हुए जायज थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यानी आपने 3 पीढ़ियों तक आरक्षण का उपभोग किया या इस्तेमाल किया आपके समाज ने ओबीसी एससी समाज ने, मैं सर की बात का जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसी स्थिति बन गई है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को ईडब्ल्यूएस का वीकर सेक्शन का जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको जनरल से जोड़ के देखा जा रहा है। पहली चीज अभी अभी प्रवक्ता जी ने बोला जो सपा के प्रवक्ता जी हैं कि जनरल को वहां भी पद दिए जा रहे हैं और यहाँ ईडब्ल्यूएस के रूप में अलग से पद दिए जा रहे हैं,
जब आप आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं तो आपको दो तरीके की बातें नहीं करनी है। पहली चीज, अगर ईडब्ल्यूएस देने की परिस्थितियां बनी है, इसका मतलब है कि सवर्ण समाज का व्यक्ति इतना पिछड़ चुका है मुख्य धारा से कि वो इतना वीकअप सेक्शन में पहुंच चुका है जिसका सामाजिक स्तर, उसका आर्थिक स्तर, उसका शैक्षिक स्तर तीनों ही पिछड़े हुए हैं, इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने की नौबत आई, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने देखा ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने धरना किया था, यानी कि हम लोगों का मतलब यह है कि वहाँ दो प्रकार के धरने थे, एक आरक्षण को लेकर के था और एक नॉन आरक्षण को लेकर के था। हमारा लोगों का उद्देश्य था कि उसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी बच्चे थे सारे लोग थे, और हम सबका ये था कि जो पास है वो सब खास है। जब बात योग्यता पर आ रही है तब अखिलेश जी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मारा गया वो सरकार ने नहीं दिया 69,000 शिक्षक भर्ती में। तब अखिलेश जी ने एक बार भी जनरल के आरक्षण की बात नहीं की, लेकिन आरक्षण घोटाले के नाम पर, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं बताना चाहती हूँ लगभग 52,000 बच्चे ओबीसी और एससी समाज के चयनित हैं, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रही हूँ, और ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, डबल बेंच पे जा चुका है। तो उस जगह पर 69,000 सीटों में 6900 सीटें ईडब्ल्यूएस की जनरल कैटेगरी के बच्चों की भी बनती थी, तो वहाँ पर एक्चुअल घोटाला तो यूआर की सीटों का यानी कि ईडब्ल्यूएस का हुआ था। वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने एक बार भी ट्वीट नहीं किया कि ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं हमारे सवर्ण समाज के, वो भी तो हमारे आरक्षित कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए आप कभी आवाज नहीं उठाए। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ओबीसी को और एससी को मतलब टारगेट करके आप बताते हैं। और ठीक है, बिल्कुल नीति जी, आपकी बात बिल्कुल उठाई जाएगी। अब मैं सीधा सवाल करती हूँ आरिफ हबीब जी, अभी आपने सुना कि जो निधि है अभ्यर्थी है जनरल कैटेगरी से आती हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी दलितों की ओबीसी वर्ग की बात आती है तब तो जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव है वो मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन जब सवर्ण समाज की बात आती है और जब जनरल कैटेगरी के आरक्षण की बात आती है तब आपके सुप्रीमो कहाँ चले जाते हैं? जी, ये टोटल नहीं पहुंच पा रही है। नहीं नहीं, मैं जो सवाल उन्होंने किया है कि सपा सुप्रीमो को नहीं बोलते हैं, ऐसा निदान गलत है या आरोप, मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ। ठीक है, आप मुझे एक ट्वीट भेज दीजिए आर्य जी, आप मुझे एक ट्वीट भेज दीजिए जब सपा सुप्रीमो जनरल कैटेगरी के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हो, एक ट्वीट में आपसे मांग रही हूँ बस। वो तो आए दिन मांग करते हैं कि युवा बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी चाहिए, तो किसके लिए मांगते हैं? वो सामान्य वर्ग हो, अनारक्षित हो, परख किए बिना, जांच किए बिना सपा सरकार की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं। आप देखिए सपा के समाजवादी पार्टी के जो मेन चैनल है इनका, उस ट्विटर पे आप जाकर के देखिए, उसमें मेरे वीडियो इन्होंने शेयर किए कहीं पर भी इन्होंने। ठीक है ठीक है, आप तीनों बारी बारी से अपनी बातों को रखिए, तभी हम आप तीनों की बातों को सुन पाएंगे। जी ठीक है, आरिफ हबीब जी पहले आप बोलिए, फिर एक एक करके मैं आप सभी के पास आऊंगी। आरिफ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अखिलेश यादव जी का ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर पेज या उनके बाइट देख लीजिए, उन्होंने आए दिन उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए या जिनकी भर्तियां रुकी हुई हैं, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उन सबके लिए आवाज उठाते रहते हैं। उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, ओबीसी समाज के भी लोग हैं। लेकिन क्या कभी आपके सुप्रीमो ने जनरल कैटेगरी के आरक्षण की बात की है? कभी आप मुझे एक ट्वीट मात्र ऐसा दिखाइए कि जब जनरल कैटेगरी के आरक्षण के मुद्दे को उन्होंने उठाया हो, ईडब्ल्यूएस पदों के मुद्दों को उन्होंने उठाया हो, एक ट्वीट आप मुझे दिखा दीजिए। मैं 79 तो सीटें सरकार ने उन्होंने हमारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया, मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा हमारा, लेकिन एक बार सरकार ने वही तो मुद्दा है देवेंद्र। बिल्कुल आरिफ जी, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि सोचिए आज के टाइम पे सवर्ण समाज कितना पीछे हो चुका है कि उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाना पड़ रहा है, यही तो मुद्दा सोचने वाला है फिर। और मैं मतलब मुझे किसी भी कैटेगरी से मतलब नहीं, मैंने कभी भी किसी की जाति पूछकर उससे दोस्ती नहीं की होगी, मेरी क्लास की जो भी लड़कियां रही होंगी, सिर्फ मैं नाम, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं अपना नाम सिर्फ दीदी बताती हूँ, मैं कभी भी बोलती की मुख्यमंत्री हूँ, क्योंकि ये सिर्फ व्यवस्था दी गई थी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ना कि किसी को अपना कारण बनाया जाए। पहली चीज, दूसरी चीज मैम, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सपा सुप्रीमो ने 69,000 से जितने ट्वीट किए हैं,
समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए मैम, जितने भी ट्वीट मिलेंगे कहीं पर भी आरक्षण पर कोई बात नहीं, जो वीडियो हमारे हैं संघर्ष हमारा है और ये केवल ओबीसी की करते हैं, ये चलेगा मैम? ठीक है आर्य जी और निधि जी, आप दोनों एक एक करके अपनी बातों को रखिए। आर्य जी और निधि जी, मैं दोनों इसे निवेदन करूंगी कि आप एक एक करके अपनी बातों को रखिए, तभी आप तभी जो हमारे दर्शक है, जो हमारे व्यूवर्स है, वो आप दोनों की बातों को सुन पाएंगे। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन सीधा मैं देवेंद्र मिश्रा का रुख करती हूँ। देवेंद्र जी, जब भी शिक्षा की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि जिसमें ज्यादा टैलेंट होगा, जिसमें ज्यादा क्षमता होगी, वही उस पद पर काबिज होगा, लेकिन जब वाकई में नौकरियों की बात आती है तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हो जाती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती है कि आखिर जो आरक्षण है उसमें सामान्य वर्ग कहाँ है, उनको आरक्षण कब मिलेगा? जी अब मैं, आपने बात उठाई तो मैं बात कहूंगा बिल्कुल साफ गोई से, क्योंकि राजनीति से ऊपर भी एक मानसिकता होनी चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। आरक्षण का तो हमें लगता है कि आज औचित्य ही नहीं है, आरक्षण तो समाप्त कर देना चाहिए। ये मेधा का हनन है सीधे सीधे। अभी दो दिन पहले अखबार में छपा था 0% पाने वाला दलित जो है वो दाखिला पाएगा। आप बताइए 0% पाने वाला इंजीनियर डॉक्टर वो क्या करेगा अपने क्षेत्र में? इस देश के राष्ट्रपति आप आदिवासी आ गए, जो भीमराव अम्बेडकर जी का स्वप्न था। कोविंद जी यहाँ राष्ट्रपति रह चुके, मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी के स्वप्नों को साकार कर रही है, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान की कल्पना के तहत जो स्वप्न देखा था वो आज सरकार साकार कर रही है। ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए ट्वीट करने के पहले कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने मेधा का कितना हनन किया। लोकसभा आयोग की घटना को हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, संघर्षों को देखा है, किस तरीके से एक विशेष जाति के लोगों की भर्तियां हुई थी, तब ये पिछड़ी अन्य जातियां जो एक विशेष जात से हट की थी, क्या वो पिछड़े जातों में नहीं थी क्या? इसमें इनके शब्द बंद हो जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं। ये जातिवाद के से ऊपर न कुछ कर सकते हैं, न सोच सकते हैं, न इनकी भावनाएं कहीं है। देखिए मैं एक बात हमेशा देखता हूं, गरीबी हो या मेधा हो, ये दोनों कभी भी किसी भी जाति वर्ग क्षेत्र में हो सकती है। तो जो अंत्योदय का जो लक्ष्य है उसी की पूर्णता के लिए बनाया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी साफगोई से काम कर रही है, और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई चीजें अगर दिखती है गलत हो रही तो उसको भी ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैम कुछ करना चाहती हूँ देवेंद्र से। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से जो लगातार आरक्षण को लेकर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। आरिफ हबीब, जब मैं सीधा आपका रुख करती हूँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी होकर के वो राष्ट्रपति के पद पर काबिज हो जाती हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वाकई में जो काबिल होता है, जो क्षमता होती है, जो क्षमतावान होता है, उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप दलितों को आज भी कहीं ना कहीं बैसाखी देने का काम कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग को बैसाखी देने का काम कर रहे हैं, और आप उनके टैलेंट को मार रहे हैं उनको, उन्हें आरक्षण दे करके। जी बिल्कुल, आरिफ हबीब जी बताइए। संविधान को अगर आप कायदे से पढ़े और जो व्यवस्थाएं संविधान में दी गई, संविधान बनाने वालों के अगर आप आरक्षण के ऊपर चोट करते हैं या आरक्षण को हटाने की मांग करते हैं तो निश्चित रूप से संविधान विरोधी माने जाएंगे। संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उस व्यवस्था के तहत अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया। यहाँ संविधान का कोई तौहीन नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ आरक्षण घटाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये किस मुद्दे संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं? लोकतंत्र के चारों स्तंभों को तोड़ने वाली संवैधानिक दुहाई क्यों दे रहे हैं आज? मैं जवाब दे लूं फिर आप सवाल करिएगा। देखिए 27% आरक्षण संविधान में संसद में पारित किया है। अगर हम 27% आरक्षण को लागू नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम देश की संसद का, देश के संविधान की अवहेलना करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समाज जो ओबीसी समाज है,
लगातार मांग हो रही है जातीय जनगणना, हमारे देश में तमाम चीजों की गिनती हो जाती है लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही। ये मानसिकता ओबीसी समाज के विरोध क्यों है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि जितने भी एकेडमिक सेंटर हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है या जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, अगर उसमें 27% ओबीसी समाज का या एससी या एसटी वर्ग का पूरा अधिकार दिया गया हो, आप जांच कर लीजिए, अगर कहीं भी पाए जाते हैं तो बताइए। तो हल्ला होता है कि 27% दिया जा रहा है, लेकिन 27% दिया कहां जा रहा है? आज भी 75% जातियां उस चीज से वंचित है, 0% उनके पास सहायता पहुंची है, उनको आरक्षण मिला ही नहीं है। ठीक है निधि तिवारी जी, आप तो लगातार कई एग्जाम्स दे चुकी होंगी, कई एग्जाम्स में लगातार आप एक्टिव रही होंगी, बैठी होंगी, क्या वाकई में आपको लगता है कि आज भी जो ओबीसी वर्ग है उसको परीक्षाओं में आरक्षण नहीं मिलता है, क्या धांधली की जाती है उसमें? पहले की जितनी भी परीक्षाओं में मैं बैठी हूँ, मैंने अब तक देखा है कि धांधली करने वालों से कई बार ज्यादा चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ओबीसी का तबका इतना उठ चुका है, शैक्षिक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि अब उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। पर मैं आरक्षण पे आघात नहीं कर रही हूँ, जो भी नियमावली बनी है इसमें संशोधन करने की जरूरत है मैम। आरक्षण को तर्कपूर्ण तरीके से लगाने की जरूरत है। आरक्षण का लाभ सिर्फ क्रीमी लेयर ले रहा है, आरक्षण का लाभ नॉन क्रीमी लेयर जिसके लिए एक्चुअली में ये आरक्षण बनाया गया था उसको आज भी नहीं मिल रहा है। वो कल भी किसान का बेटा किसान था, वो आज भी किसान का बेटा किसान है। और इस शोषण की प्रक्रिया को इतना तेज कर दिया गया। मैं आपको एक सपा सरकार के समय में हुई भर्ती का जिक्र देना चाहूंगी मैम। सपा सरकार में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी मैम 2013 में। उस वैकेंसी में मैम रात में बच्चों का नाम लिस्ट में था और सुबह जब उन्होंने लिस्ट खोल के दोबारा से देखा तो उनके नाम गायब थे। कुछ लोगों ने उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया था जो रात में आई थी। मेरी उसमें एक सहेली भी थी, मेरी सहेली भी थी और मेरी चाचा की लड़की भी है, कजिन भी है समझ लीजिए। तो मैम उसका रात में लिस्ट में नाम था और सुबह नाम गायब था। मेरे चाचा के बच्चे का नाम लास्ट रात में सपा सरकार की जो वैकेंसी हुई थी उसमें रात में लिस्ट में नाम था, सुबह गायब था। मैम सूप बोले चलनी का बोले जिसमें 72 खेद हैं। मैम जो सपा सरकार आगे से किए बैठी, खुलेआम बोली लगती थी वैकेंसी में, नौकरियों में वो बोली लगा करके जो सीटें बेची जाती थी, मैम मैंने सब कुछ देखा है। और ऐसा नहीं कि मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तैयारी की है, मैं सपा के कार्यकाल के शोषण में इतना ज्यादा थी कि मैंने पेपर में फॉर्म डालना छोड़ दिया था कि मुझे लग गया था कि खुलेआम पैसा चलता है, मेरी क्षमता नहीं है, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगी, तो इसलिए मुझे फार्म ही नहीं डालना है। मैंने फार्म डालना बंद कर दिया था सपा सरकार ने, क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम रात में लिस्ट में नाम मेरी बहन का है, सुबह गायब हो गया, मैम मामला कोर्ट में गया और मैम कोर्ट की तरफ से उनको नौकरी मिली है। पहली चीज तो इनका मैं बता दी, सपा का जो चरित्र असली चरित्र है, जो सिर्फ राजनीति के लिए आरक्षण, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, आरक्षण के नाम पर हम राजनीति करें और कोई इनके पास मुद्दा नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी एससी समाज के हमारे कानपुर से थे मैम। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश की जो राष्ट्रपति महोदया है वो एससी संप्रदाय से आती है। बिल्कुल पीछे पंक्ति में खड़ा व्यक्ति शीर्ष में जा सकता है, तो वहाँ उस स्तर पे पहुँचने के बाद फिर भी अगर कोई ये कहता है कि हमें आरक्षण चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये आरक्षण इनके लिए वैसाखी है। अब ये वैसाखी नहीं है, ये इमोशनल अत्याचार हो गया है मैम। इसके चलते न जाने कितने सवर्ण परिवारों ने आत्महत्या। ठीक है आरिफ जी, अभी आपने सुना जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण को कम करने का आरोप लगा रहे हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने मौजूद है इस चर्चा में, वो साफ तौर पर कह रही है कि परीक्षाओं का रिजल्ट आने के बाद आपकी जो सरकार में धांधली होती थी। चलिए इसमें तो खुलेआम परीक्षाओं के पहले सिर्फ आरक्षण कम किया जा रहा तब आपको इतनी मिर्ची लगती है। अब आप सोचिए कि किसी की लिस्ट जारी हो जाए, नतीजे आ जाए, वो अपने घर में बता दे कि वो सेलेक्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जब वो अगले दिन वही लिस्ट खोले तो उसका नाम गायब हो, कैसा लगेगा उसको? यस ये मैम सपा सरकार के समय की संगति है। मैं खुद इसकी साक्षात्कार और मेरे परिवार इसको अधिकार समझ लिया गया आज के दिन। और मैम अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सर से भी कुछ कहना चाहती हूँ, आप उसको उसका अवलोकन कर लीजिए और उसके बाद तब आरोप लगाइएगा। आरोप आपके वही आरिफ जी, आरोप ये आरोप एक प्रत्यक्षदर्शी का है जिसने ये चीजें महसूस की है, जिसकी बहन का रिजल्ट आना था।
प्रतियोगी छात्रों के साथ सड़कों पर उतरे हैं, छप्पन जो है एक ही जात के हो गए। जबकि आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो मैं समझता हूँ 2014, 2015, 2013 की ये कहानी है, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 4 ऐसे करके उसमें एक जात के लोग चुने गए थे। एक समाचार चैनल ने उसके अंदर भ्रांति फैलाया था फर्जी खबर चला के। यानी कि अब आप जो जो संविधान का चौथा स्तंभ है उसको कह रहे हैं कि वो भ्रम फैलाता है। एक तो धांधली आपकी सरकार में होती है, जो चयनित अभ्यर्थी है उनका नाम गायब हो जाता है, फिर आप मीडिया पर खुलेआम आरोप लगाते हैं कि जो मीडिया है वो गलत खबरें चलाती है। आरिफ जी, अपने सरकार में जो नाकामी हुई है, जो खामियां हुई है, उसको मानना ज्यादा बेहतर होगा किसी और पे आरोप लगाने से। जी निधि, आप भाजपा के ठीक है निधि, आप भाजपा के प्रवक्ता से भी यानी कि देवेंद्र जी से भी कुछ कहना चाह रही थी। निधि जी, ठीक है निधि जी, मुझे झूठ बोलने का कोई पैसा नहीं है। ठीक है मैं अपनी टीम से बोलूंगी आवाजों को क्लियर करिए। ठीक है, कोई होगा नहीं इस समय पे बात। ठीक है निधि, मैं आपकी आखिरी प्रतिक्रिया लूंगी। आपने कहा कि अभी आप देवेंद्र मिश्रा यानी कि भाजपा के प्रवक्ता से कुछ कहना चाहती हैं, आप अपनी उस बात का जिक्र करिए पहले। अब आती हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। बात आती है मैम 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि मैं उस चीज से अपने मुद्दे से जली हुई हूँ। मैं 7 दिन आमरण अनशन पे बैठी रही हूँ मैम। मैं अपनी मेरी किडनी खराब हो चुकी उसकी वजह से। मैं इतना कुछ संघर्ष कर चुकी हूँ मैम, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का अन्याय, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं किसी की नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा शायद भारतीय जनता पार्टी का विरोध किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन जहाँ जो सही है मुझे सही को सही और गलत को गलत कहना आता है। ना मैं किसी राजनीतिक धरातल में जाना चाहती हूँ, ना ही मैं कोई राजनेता हूँ। मैं सिर्फ अभ्यर्थी हूँ और एक अभ्यर्थी के नाते मैं मेरा दर्द बताना चाहती हूँ। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी ने जब 68,500 की वैकेंसी में सीटें खाली रह गई थी, तब इन्होंने बोला था कि हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं जो आकर कंपटीशन बीट करें और नौकरी लें। इसके बाद मैम 69,000 की भर्ती में बीएड को 10 साल बाद मौका मिला और मैम पद के सापेक्ष में ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए। वो भी गलती किसकी थी मैम? हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, जिन्होंने गलत तरीके से नियमावली को लगाया। मैम जनरल ओबीसी का सेम कट ऑफ होता है, नियमावली में लिखा हुआ था मैम, जनरल कैटेगरी के साथ में ओबीसी का कट ऑफ सेम माना जाता है, बराबर रखा जाता है। एससी और एससी का कट ऑफ सेम रखा जाता है और ये कट ऑफ पिछली वैकेंसी जो 68,500 की वैकेंसी थी उसमें लागू भी हुआ है। और मैम 69,000 की वैकेंसी में आरक्षित वर्ग की तीनों कैटेगरी को एक कट ऑफ में डाल दिया गया। और बावजूद बिल्कुल अच्छा निधि, जिस तरीके से आज ये आरक्षण को लेकर के लगातार ये मांग उठाई जा रही है, लेकिन अगर आपके मुताबिक जो आरक्षण का दायरा है वो किस प्रकार से होना चाहिए, कि अगर आरक्षण मिले तो उसका जो कैटेगराइजेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए? मैम आरक्षण का मतलब होता है कि हर वर्ग के पिछड़े दलित जो भी लोग हैं, आज के समय में एक वर्ग में पिछड़ा दलित नहीं है, हर वर्ग में पिछड़ा दलित है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में आता हो। और जनरल कैटेगरी में तो आना ही जिंदगी में अभिशाप बन चुका है मैम। मैम जो स्थिति इस समय पे है, 50% आरक्षण में सीटें होनी चाहिए, लेकिन उसी 50% का पार्ट होना चाहिए सवर्ण कैटेगरी के आरक्षण का भी। सवर्ण कैटेगरी का भी पार्ट उसी 50% में होना चाहिए और 50% सीटें यूआर में डालनी चाहिए कि जितने प्रतिभाशाली मेधावी लोग होंगे वो 50% यूआर में जाएंगे। बाकी के जो भी जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो भी लोग हैं जिनका जो आरक्षण का दायरा है उस दायरे में कुछ कम ज्यादा करके जनरल को भी समायोजित करें और 50% सीधे सीधे आरक्षित कैटेगरी में डालें, ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को जो वास्तव में मुख्य धारा से पिछड़ गया है या पिछड़ रहा है, जो पिछड़े थे उनको 3 पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिला है मैम। 75 साल निधि, हमने अमूमन देखा है कि जो परीक्षार्थी है जो जनरल कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जो प्रदर्शन है जो वो अपनी सेवाएं देश को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, इस पूरे ट्वीट को लेकर के जो अखिलेश यादव ने आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने की मांग उठाई है, उस पर एक अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिए 10 सेकंड में। जी बिल्कुल, अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जनता इनको नकार चुकी है, इनके कार्य प्रणाली कार्य संस्कृति से अवगत। ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल। तो आप तीनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षाएं हैं उसमें आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां पहले ओबीसी वर्ग को 27% मिलता था, तो वही भाजपा के शासनकाल में वो प्रतिशत भी 9.5 कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई में आप में काबिलियत है, वाकई में आप अगर पढ़ाई में सक्षम है, बेहद अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अभी हमारी एक जो अभ्यर्थी थी निधि, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण जो पुराने जमाने में लोगों को जरूरत थी, जो वाकई मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम इस नए जमाने में जी रहे हैं जहां सबके हाथों में एंड्रॉयड फोन होता है, जहां सभी एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आरक्षण की मांग को ले कि मांग करना ओबीसी के सिर्फ जाति के आधार पर, या यूं कहे कि एससी एसटी के आधार पर आरक्षण की मांग करना कहां तक जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण की मांग को लेकर के उनके हाथ में एक बैसाखी देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो और मेहनत, बल्कि युवा आजकल के हमारे इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो कड़ी मेहनत करके परीक्षाओं के जो परिणाम है वो अपने पक्ष में लाने में बखूबी सक्षम है, नई टेक्निक्स है, कोचिंग सेंटर्स हैं, फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आरक्षण को चुनाव से पहले मुद्दा बनाना कहां तक लाजमी है सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम योगदान देती है। ऐसे में उसी शिक्षा और देश के विकास के लिए आरक्षण की मांगों को हर चुनाव से पहले मुद्दा बनाया जाता है, और हर चुनाव से पहले आरक्षण की मांग को लेकर के लोगों के बीच प्रचार प्रसार हर एक पार्टी जो है वो करती हुई दिखाई देती है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।